हे गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं स्मार्ट फीचर्स के बारे में। आज की इस वीडियो में आपको 8 फीचर्स बताने वाला हूं। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज, यहाँ पर सबसे पहले आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है नीचे की ओर। नेक्स्ट, यहाँ से आपको थोड़ा सा मिल जाता है यहाँ पर कन्वर्सेशन टूल्स। नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से अगर आपको ये जो तीन बटन आपको दिखते हैं नीचे की साइड, इन बटन्स को अगर आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नेविगेशन बटन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर गेस्ट सेटिंग पर इनेबल कर देना है, कैंसिल पर क्लिक कर देना है। तो क्या होता है, यहाँ से आपके तीनों बटन जो है हट चुके हैं। अब यहाँ से आप इधर से स्वाइप करेंगे तब आप बैक जाते हैं, और इधर से स्वाइप करते हैं तब बैक जाते हैं आप, और यहाँ से आप एकदम से स्वाइप कर देंगे तो आप डायरेक्टली होम स्क्रीन पर आ जाते हैं। अगर आपको रिसेंट टास्क में पहुंचना है तो यहां से स्वाइप करके आपको मिडिल तक लाना होगा यहां तक, और यहां पर आप रिसेंट टास्क में पहुंच जाते हैं। और यहां पर टू लाइन पर क्लिक करने के बाद यहां पर स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपकी डबल स्क्रीन ऑन हो जाती है। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में स्प्लिट स्क्रीन भी ऑन कर पाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डबल स्क्रीन ऑन हो चुकी है। सो गाइज, नेक्स्ट यहाँ से आपको इसे बंद कर देना है, और यहाँ से आपको सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे जाना है, वहीं पर कन्वर्सेशन टूल्स पे जाना है, और यहाँ पर गेस्ट एंड मोशन पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ से आपको ये दो ऑप्शन ऑन कर देने, जिससे क्या होता है आप ऊपर से नीचे की ओर स्वाइप करते हैं तो थ्री फिंगर को तो आप स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। और यहाँ पर इस वाले ऑप्शन से क्या होता है, अगर आप प्रेस करके रखते हैं इस तरीके से थ्री फिंगर को तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। तो इस तरीके से आप इसे स्क्रीनशॉट लेने में यूज कर सकते हैं। नीचे यहाँ से आपको मिल जाता है लिप टू ईयर टू आंसर कॉल्स। अगर आप इसे इनेबल करते हैं तो क्या होता है, अगर आप कान के पास फ़ोन को ले जाते हैं तो डायरेक्टली आपका कॉल जो है रिसीव हो जाता है। नेक्स्ट, यहाँ से आपको मिल जाता है ऑटो स्विच टू रिसीवर। तो इससे क्या होता है, अगर आप इसे इनेबल करके रखते हैं तो आपकी कॉल जो चल रही है और कान के पास फ़ोन है तो ऑटोमेटिक हैंड फ्री से हट जाता है फ़ोन, और कान के पास से फ़ोन को हटाते हैं तो ऑटोमेटिकली फ़ोन हैंड फ्री हो जाता है। नेक्स्ट, यहाँ से आपको मिल जाता है फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स। अगर आप इसे इनेबल कर देते हैं तो क्या होता है, आप फ़ोन को उल्टा कर देते हैं, कोई कॉल आ रही है और फ़ोन को उल्टा कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपकी जो कॉल है वो म्यूट हो जाती है। बाकी यहाँ से आपको बैक जाना है, और अभी हम पहले नेविगेशन बटन लगा लेते हैं, और यहाँ से आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ से आपको दोबारा से यहीं पर जाना है कन्वर्सेशन टूल्स पर, और यहाँ पर आपको मिल जाती है असिस्टिव बॉल। इससे क्या होता है, एसिस्टेबल यहाँ से आपको इसे ऑन कर लेनी है। ऑन करने के बाद ये आपकी एक बबल जैसी यहाँ पर नज़र आती है। तो इस बबल में क्या होता है दोस्तों, अगर आप यहाँ पर जैसे ही टैप करेंगे तो यहाँ पर बैक जा रहे हैं, आप देख रहे हैं एक सिंगल टैप किया मैंने, बैक आ चुका हूँ मैं। तो यहाँ से आप अगर सिंगल टैप करेंगे तो बैक आएंगे, डबल टैप करेंगे तो रिसेंट टास्क में पहुँच जाएंगे। तो मैंने डबल टैप किया, रिसेंट टास्क में पहुँच गया हूँ मैं, और यहाँ से जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और अब दोबारा से वहीं पर सेटिंग पे जाते हैं, इसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर मैं टच एंड होल्ड करूँगा इस पर तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट आ जाता है। तो अभी प्रेस करके रखते हैं तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट आ चुका है, और इसे आप इसे हटा भी सकते हैं। जैसे डबल टैप करने पर रिसेंट टास्क ओपन हो रहा है तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन ड्रॉअर भी खोल सकते हैं, फ़ोन भी खोल सकते हैं, या फिर वन हैंड मोड इनेबल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अगर डबल टैप पर वन हैंड मोड कर दिया है तो डबल टैप किया तो एकदम से वन हैंड मोड में इनेबल हो चुका है फ़ोन। तो इस तरीके से अब फुल स्क्रीन पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ से आपको बैक जाना है, और यहाँ पर आपको मिल जाता है स्मार्ट साइड बार, इसको आपको इनेबल करना है। और यहाँ से इनेबल करने के बाद क्या होता है, आपको एक ये लाइन जैसी आपको दिख जाएगी साइड में। तो इससे क्या होता है, आप यहाँ से डायरेक्टली स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्विकली आप कोई फ़ोन पे गूगल पे यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी रिकॉर्डर और कैलकुलेटर ये हो रखे हैं, आप प्लस के आइकन पर जाएंगे और यहाँ पर ऐप्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ से आप फ़ोन पे गूगल पे कुछ भी एप्लीकेशन यहाँ पर डायरेक्टली आप लगा सकते हैं, जिससे कि आप क्विकली यूज कर पाएंगे। बाकी यहाँ से आपको बैक जाना है, और यहाँ से आपको मिल जाता है वे गूगल असिस्टेंट विथ पावर बटन। अगर आप इसे इनेबल करके रखते हैं तो आप 0.5 सेकंड अगर पावर बटन को प्रेस करते हैं तो आपका गूगल असिस्टेंट ओपन हो जाता है। अगर आप 3 सेकंड प्रेस करते हैं तो आपका पावर आपका मेनू ऑप्शन ऑन होता है, जैसे कि आप अपने फ़ोन को ऑन ऑफ करते हैं या फिर आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करते हैं, वो वाला ऑप्शन आपका 3 सेकंड में ऑन होता है। बाकी यहाँ से आपको मिलता है शेड्यूल
पावर ऑन ऑफ़, अगर आप इसे यहाँ पर सेट कर लेंगे टाइम, जैसे कि रात के समय मेरा फ़ोन डेली 9 बजे या फिर डेली 10 बजे स्विच ऑफ हो जाए, ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, और सुबह के समय मेरा फ़ोन ऑटोमेटिकली चालू हो जाए, तो वो यहाँ से आप शेड्यूल कर सकते हैं। मैंने अपना फ़ोन जो है रात के 10 बजे मेरा फ़ोन बंद हो जाता है और सुबह 6 बजे ऑन हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में ये टाइमर चेंज कर सकते हैं, टाइमर को लगा सकते हैं एवरी डे या फिर केवल सैटरडे संडे, जो भी आप लगाना चाहते हैं, केवल एक दिन बंद हो या फिर हर दिन मेरा फ़ोन शाम के समय बंद हो जाए, तो वो यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये जो है एसेसिबिलिटी, यहाँ पर अगर आप इस एसेसिबिलिटी मेन्यू को अपने फ़ोन में इनेबल करना चाहते हैं तो कैसे कर पाएंगे, तो इसके लिए आपको जाना होगा यहाँ पर सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पर एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना है। एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करने के बाद एसेसिबिलिटी पर क्लिक करना है और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ से आपको मिल जाता है एसेसिबिलिटी मेनू, इस पर आप क्लिक करना है और यहाँ से आपको इसे इनेबल कर देना है। बाय द वे आपका ये डिसेनेबल रहेगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा, और जैसे ही आप इसे इनेबल कर देंगे तो आपका यहाँ पर एसेसिबिलिटी ऑन हो जाता है। इससे क्या होता है, आप डायरेक्टली वॉल्यूम कम कर सकते हैं, वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं, वॉल्यूम अप कर सकते हैं, ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं, ब्राइटनेस को डायरेक्टली बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से रिसेंट टास्क में पहुंच सकते हैं, पावर ऑफ कर सकते हैं फ़ोन को डायरेक्टली, और डायरेक्टली आप यहाँ पर फ़ोन को लॉक भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी काम का एसेसिबिलिटी मेनू रहता है। सो गाइस यहाँ से आपको इसे बैक कर देना है। बैक करने के बाद यहाँ से आपको मिल जाता है यूजर्स एंड अकाउंट्स, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से मल्टी यूजर्स पर क्लिक करना है। तो यहाँ से क्या होता है, अगर आप यहाँ पर प्लस के आइकन पर जाएंगे और यहाँ से ऐड पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको एक अपना नाम एंटर कर देना है, और यहाँ से मैंने एंटर कर दिया है। और इस एंटर करने के बाद अब यहाँ से आपको जैसे ही अपने अपने इसमें अलग अलग पैटर्न डालते हैं, और पैटर्न डालने के बाद आप अपना अपना फ़ोन अलग अलग स्विच कर सकते हैं इस तरीके, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्रिएट हो चुका है न्यू फ़ोन, तो यहाँ से इस तरीके से आप अपना कर सकते हैं, बट मैं भी नहीं करना चाहता हूँ, मैं भी इसे कैंसिल कर देता हूँ, जिससे क्या होता है आपका फ़ोन अलग अलग अपना अपना फ़ोन ओपन होता है, अपना जैसे जो पासवर्ड डालेगा उसी का फ़ोन ओपन होता है। तो यहाँ से आप मल्टी यूज़र का ऑप्शन इनेबल कर पाएंगे। गाइस यहाँ से आपको चले जाना है बैक ऐप मैनेजमेंट, तो ऐप मैनेजमेंट पर क्लिक करना है आपको। अगर आपको यहाँ पर ऐसे किसी एप्लीकेशन को डबल करना है, जैसे कि फ़ोनपे को या फिर व्हाट्सएप मैसेंजर को या फिर किसी एप्लीकेशन को, तो यहाँ पर अभी मेरे फ़ोन में 2 एप्लीकेशन इंस्टॉल हैं, जो कि स्नैपचैट है और यहाँ पर अमेज़ॉन शॉपिंग है, और आप फ़ोनपे को भी इस फ़ोन में कर सकते हैं डबल। तो यहाँ से स्नैपचैट पर क्लिक किया और यहाँ पर ऑलरेडी मैंने डुअल कर रखा है, तो अभी हम दूसरे एप्लीकेशन को दिखाते हैं अमेज़न शॉपिंग को, यहाँ पर क्रिएट कर दिया, तो यहाँ पर ये जो है डबल एप्लीकेशन हो चुका है। तो यहाँ से इस तरीके से आप डुअल ऐप को देख पाएंगे, स्नैपचैट एंड अमेज़न तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में डुअल ऐप कर पाएंगे। अगर आप अपने फ़ोन में डाटा स्विच करना चाहते हैं एक सिम से दूसरी नंबर की सिम पर, तो यहाँ से आपको जाना है स्विच डाटा पर, इस पर एकदम से क्लिक कर देंगे और आपका डाटा स्विच हो जाता है। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिल जाता है 1 हैंडेड का, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन वो एकदम से 1 हैंड मोड में इनेबल हो जाता है, छोटी सी स्क्रीन में आपका फ़ोन आ जाता है, तो इजीली आप एक हाथ से फ़ोन को यूज कर पाएंगे। सो गाइज आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।